सब्जेक्ट आपकी पावर प्लांट यूनिट सेकंड इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के लिए ये सब्जेक्ट मान है पार्ट 5 यानी कि लेक्चर नंबर 5 आपका आज चला रहा है। तो इसके अंदर जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कोल हैंडलिंग प्लांट मतलब कोयले की ढुलाई। तो कोयले की ढुलाई सेंटर में आपने क्या क्या पढ़ा था? कोल डिलीवरी पढ़ा था, अनलोडिंग पढ़ लिया, प्रिपरेशन पढ़ लिया, ट्रांसफर पढ़ लिया, स्टोरेज पढ़ लिया, प्लांट हैंडलिंग पढ़ लिया और बैक एंड मेजरिंग पढ़ लिया। ये सबसे सारे स्टेप आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में आपको पढ़ाया जा चुका है। देन आप जो स्टेप पढ़ाया जाएगा जो स्टेप आपको पढ़ाया जाएगा वो है फर्नेस फायरिंग मतलब कोल की फ्यूल की जो फर्नेस फायरिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, कितने मेथड से की जाती है, किन किन चीज़ों से की जाती है। तो ये सारी चीज प्रोसेसिंग आप ये फर्नेस फायरिंग के अंदर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आता है? कम्यूशन। कम्यूशन का मतलब क्या? दहन। फ्यूल का दहन अपन कैसे करेंगे? तो दहन जो कम्यूशन एक होता है वो एक कैसी होती है? रासायनिक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? एक केमिकल प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते हैं अपन कि जो फ्यूल होता है फ्यूल पे ज्वलनशील अकर होते हैं मतलब जो ज्वलनशील एलिमेंट होते हैं उनको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उनकी फर्नेस फायरिंग की जाती है मतलब उनका दहन किया जाता है। तो हमें आउटपुट में हीट और लाइट प्राप्त होती है मतलब जब अपन क्या करते हैं फ्यूल प्लस ऑक्सीजन का अपन क्या करते हैं फर्नेस किया जाते हैं मतलब इसका हीट इसको जलाया जाता है फ्यूल प्लस ओ2 को जब अपन मिक्स करके मिश्रण को अपन कम्युनिकेशन को जब जलाया जाता है दहन कराया जाता है तो हमें क्या मिलती है हीट प्लस लाइट प्लस हमें एक चीज और मिलती है ब्लू गैसेस। तो इस प्रकार अपन कहते हैं कि कम्युनिकेशन दहन दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल के ज्वलनशील पदार्थ फ्यूल के ज्वलनशील अवयव का को ऑक्सीजन के साथ दहन करने की प्रक्रिया को अपन कम्युनिकेशन या दहन कहते हैं जिसे आउटपुट में हमें ऊष्मा प्लस प्रकाश प्लस फ्लू गैसेस मतलब वेस्टेड गैसेस या अन्य गैसेस हमें प्राप्त होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फ्यूल फायरिंग एंड मेथड। ये हमने पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन क्या प्रक्रिया होती है और इसमें जो केमिकल प्रोसेस होता है वो क्या होता है। देन अपन पढ़ेंगे फ्यूल फायरिंग मतलब ईंधन की फायरिंग की जाती है ईंधन की फर्नेस की जाती है वो किस टाइप से की जाती है कितने मेथड से की जाती है फायरिंग मेथड फ्यूल फायरिंग एंड फायरिंग मेथड। तो किसी फर्नेस में क्या होता है कि किसी फर्नेस में फ्यूल हैंडलिंग तथा उसकी कम्यूशन मतलब उसके दहन के लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग की जाती है तथा फ्यूल फायरिंग मतलब किसी फर्नेस करने के लिए जो फ्यूल फायरिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसे अपन क्या कहते हैं फ्यूल फायरिंग कहते हैं मतलब फ्यूल का फ्यूल के दहन करने की क्रिया को दहन करने की क्रिया को क्रिया को फ्यूल फायरिंग कहते हैं। अब मेथड ऑफ फ्यूल फायरिंग मेथड्स ऑफ फ्यूल फायरिंग तो मेनी टाइप्स होते हैं मेथड आपके सबसे पहले क्या होता है एंड फायरिंग क्या होता है एंड फायरिंग देन आपका होता है स्टॉकर फायरिंग या आप इसको बोलते हैं शॉर्ट में स्टॉक फायरिंग भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका होता है पल्वराइज फ्यूल फायरिंग नेक्स्ट आपका होता है फ्यूल ऑयल फायरिंग नेक्स्ट आपका गैस फायरिंग अपन ने अभी क्या पढ़ा फ्यूल फायरिंग नेक्स्ट फायरिंग मेथड तो फायरिंग मेथड जो हमारे होते हैं फाइव टाइप्स के होते हैं
जो अपन क्या कहते हैं फ्यूल का फर्नेस कर सकते हैं, फ्यूल की फायरिंग कर सकते हैं, वो फायर मैनर के द्वारा अपन इन प्लांट के अंदर, प्लांट संयंत्र परिसर के अंदर अपन कोयले की या ईंधन की अपन फायरिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है? हैंड फायरिंग, स्टॉपर फायरिंग, पोलराइज्ड फायरिंग, फ्यूल ऑन फायरिंग और गैस फायरिंग। अब इस चीज को अपन स्टेप बाय स्टेप डीपली एक एक चीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या बताते हैं? हैंड फायरिंग। क्या बताएंगे? हैंड फायरिंग। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये मेथड होता है बहुत ही सिंपल होता है। हैंड जो फायरिंग होती है वो सिंपल मेथड होता है और इकोनॉमिकल मितवे की तरीके से बहुत ही सस्ता होता है, सिंपल एंड सस्ता होता है हैंड फायर। इसमें क्या होता है कि जो हैंड हैंड के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं जनरली में, अगर कोई किसान का बेटा होगा तो वो हैंड फायरिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, और या कोई जैसे कि फिल्म देखता हो तो आप लोगों ने देखा हो कि एक मूवी थी गदर, सनी देओल की मूवी गदर। तो गदर में जब क्या है कि वो पाकिस्तान से ट्रेन के द्वारा भाग के आया था, तो ट्रेन में जो कोयला डाल रहा था बच्चा, एक बच्चा भी डाल रहा था और सेकंड पार्ट तुम्हारा सनी देओल भी डाल रहा था, तो उस वो ही तुम्हारा क्या कहलाते हैं? हैंड फायरिंग इक्विपमेंट होते हैं तुम्हारे। ठीक है, एक ये चीज होती है कि आपको किसी चीज को प्रैक्टिकली या किसी चीज को तुमने देखा हो उस चीज को आपको बता दिया जाए, तो इसलिए आपको ये एग्जांपल दिया है मूवी का। तो इसलिए आपको क्या है, तो इसमें क्या है हैंड फायरिंग के लिए इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे बेलचा। कौन सा यूज किया था? बेलचा। सेकंड होता है आपका स्लाइस वायर, स्लाइस वायर, देन होल, और लास्ट होता है तुम्हारा रैक। रैक को हिंदी बोलते हैं पाया, पाया। होल को हिंदी में बोलते हैं कुदाली। देसी में सुना हो तुमने फावड़ा। ठीक है, जब खेत में पानी देने के काम आता है, किसी मिट्टी खोदने के काम आता है, उसको अपन होल भी कह सकते हैं। देन आती है इसको सिलाई सिलाई भी कहते हैं, सिलाई बार। बेलचा, बेलचा मतलब बेलचा ही कहते हैं। ठीक है, तो हैंड फायरिंग इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं? बेलचा होता है, स्लाइस वायर होता है, होल होता है, रैक होता है। तो इन चीजों को अगर थ्योरी ना समझा के आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया जाए तो आपको थ्योरी की आवश्यकता भी ना पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया जाएगा। तो आपको बताया जा रहा था कि डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो हैंड फायरिंग इक्विपमेंट होते हैं, क्या हैंड फायरिंग इक्विपमेंट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बेलचा होता है, स्लाइस वायर होता है, कुदाली होती है और पाया होता है। तो देखो बेलचा आपने ये देखा होगा जंगली में कि कोई भी रेत उठाने, मतलब किसी भी आप ब्रिक या रेती की दुकान पर चले जाओ तो आपको क्या बोलते हैं, ट्रॉली के अंदर जो रेती भरते हैं उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? बेलचा भरते हैं। ठीक है, एक ये इसी टाइप से कोनी टाइप से आता है, उसको भी स्लैश वायर कहते हैं। ठीक है, तो बेलचा का जनरली में क्या यूज होता है फ्यूल के अंदर, कि जो न्यू फ्यूल को ग्रेड पर डालते हैं, मतलब कोयला आता है तो उसको क्या करते हैं, कोयला स्टोरेज में से अपन कोयले को भरते हैं, भरने के बाद उसको क्या है जाली पर डाला जाता है। और इसका क्या किया जाता है कि जब जाली पर डाला जाता है तो जाली आगे मूव करती रहती है, कोयला जलता जाता है, उस पर जलने के बाद क्या होता है, जो ग्रेट के अंदर होल बने हुए थे तो होल के नीचे से अपनी एस एस पिट के अंदर गिरती जाती है। देन ऐसे ही हमारा काम आता है स्लाइस वायर का। तो स्लाइस वायर का जो काम आता है वो क्लिंकर्स को तोड़ने के काम में आता है, किसी चीज को या टुकड़े को तोड़ने के काम में आता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका स्लाइस वायर का यूज काम किया जाता है क्लिंकर्स को तोड़ने के लिए काम आता है, और देन क्या करते हैं उसे बेलचा से फिर उसको भरते हैं और बनने के बाद ग्रेट पर डाल दिया जाता है। कुदाली का काम क्या होता है? कुदाली को तुम जानते हो फावड़ा, देसी में बोले तो फावड़ा। तो फावड़े का क्या काम होता है कि ग्रेट क्लीन करने की, मतलब कोई भी
अब जब उस चीज को आप खींच के ले जाओगे तो वो खींच कैसे सर? कुदाली से खींच सकते हैं ना कि बेलचा स्लैश मार से, इससे तो खींच ही नहीं सकते। तो आप क्या है, कुछ किसी गर्म चीज को आप इससे खींच सकते हैं और प्रेस्ट को भी एस रिमूव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो कुदाली का यूज कहाँ किया जाता है? ग्रेड को क्लीन करने के लिए और एस को एस के लिए रिमूव करने के काम आता है। ऐसे ही तुम्हारा क्या पाया, तो पाया तुमने देखा हो जनरली में, अगर कोई गांव का बच्चा हो तो उसने देखा होगा कि जो भूसा भरते हैं, भूसा भरते हैं तो भूसा भरने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, पाया। रे पाया मतलब इसमें दो सपोर्ट है, ठीक है। पाया देसी में बोले तो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट होते हैं। तो सपोर्ट क्या करते हैं, उस चीज को पोल को अपने अंदर सपोर्ट के साथ आगे की ओर उसको खींच के लेके जाते हैं। तो एक्चुअली में रैक का काम क्या है कि समान रूप से फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूट करना। अब डिस्ट्रीब्यूट किस चीज पे करोगे कि जैसे हमने बेलचा से कोयल को ग्रेड पे डाला, अब ग्रेड पे डालने के बाद क्या है भाई, बेलचा से हमने ये तो है नहीं गर्म, हीट बहुत ज्यादा होती है तो उस चीज को अपन एक जगह पे स्टोरेज होगा, तो उस चीज को समान रूप से ग्रेड पर डिस्ट्रीब्यूट करना, वो काम होता है रैक का, पाया का। देन अपन क्या था, देन हमारा था, तो आपने क्या पढ़ा, फ्यूल फायरिंग डेफिनेशन दे दी थी, फायरिंग मेथड, फायरिंग मेथड चल रहे थे हमारे, तो फायरिंग मेथड से अपने सबसे पहले हैंड फायरिंग मेथड समझा दिया। अब बात ये आई कि हैंड फायरिंग मेथड के हैंड मतलब हैंड फायरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको समझा दिया। अब बात आ रही है ग्रेड की, फर्नेस ग्रेड की, तो फर्नेस ग्रेड की समझना बहुत अति आवश्यक है। तो आप समझेंगे अपन कि अपनी फर्नेस ग्रेड क्या होती है। एक्चुअल में फर्नेस ग्रेड जो होती है वो सॉलिड फ्यूल को जलाने का एक मेन इंस्ट्रूमेंट होता है, सॉलिड फ्यूल को फर्नेस करने का एक मेन इंस्ट्रूमेंट माना जाता है अपन फर्नेस ग्रेड को, फर्नेस ग्रेड को मेन इंस्ट्रूमेंट माना जाता है फॉर सॉलिड फ्यूल के फायरिंग के लिए, फर्नेस के लिए। तो यह क्या होता है, यह फर्नेस का वह पार्ट है जिसके नीचे क्या होता है, एस पिट होता है, जिसके नीचे क्या करते हैं अपन, एस पिट होता है जहां पर क्या है एस का स्टोरेज किया जाता है, और देन इसके अपर पार्ट में क्या होता है, फ्यूल का दहन होता है, फ्यूल के ईंधन के दहन की प्रक्रिया इसके अपर पार्ट में होती है, और इसके लोअर पार्ट में क्या होता है, एस का स्टोरेज होता है, मतलब उस जगह पर हमारा एस पिट होता है। अब हम क्या चल रही है, फर्नेस फायरिंग सॉलिड फ्यूल को जलाने का एक मेन इंस्ट्रूमेंट है। इसके क्या होता है, ये अपने आप में एक अहम पार्ट होता है, जिसके क्या है अपर पार्ट पे तो तुम्हारा क्या है दहन प्रक्रिया चलती है, और लोअर पार्ट पे क्या होता है इसका एस पिट मतलब एस का स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, कि ये तो बात क्या है सॉलिड फ्यूल की, जब सॉलिड फ्यूल की बात हो तो फर्नेस फायरिंग के लिए या ग्रेड के लिए, फर्नेस ग्रेड की ये आप समझ सकते हैं, लेकिन जब बात लिक्विड एंड गैस फ्यूल की हो तो उसमें हमारे जाली की ग्रेड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ओनली ग्रेड की आवश्यकता कहाँ होती है, फ्यूल फायरिंग के लिए, मतलब जहां पर अपन सॉलिड फ्यूल मतलब को जहां अपन सॉलिड फ्यूल की बात करते हैं या सॉलिड फ्यूल यूज में लिया जाता है या सॉलिड फ्यूल किया फर्नेस किया जाता है, उस जगह पे हमें उस ग्रेड की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा हमें लिक्विड और गैस फायरिंग के लिए जाली की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें और एक अत्यावश्यक चीज क्या होती है कि ये ग्रेड किसकी बनी होती है, डलवे लोहे की बार की, मतलब एक डलवे लोहे की छड़ों की ये जाली बनी होती है। तो ये जाली क्या आप आकार कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है चारों तरफ दीवारों में ठसी होती है, मतलब एक ये चीज है, आपने कुआ देखा हो, कुआ तो कुएं या ड्रम मान लो, ड्रम में ये हमारा ड्रम है, ठीक है, और ड्रम के अपन जाली नीचे लगाना है, तो जाली आप कैसे लगाओगे, आप ये कोई भी साइड ले सकते हैं चारों तरफ से, ठीक है। तो जो ये जो छड़ होती है ये काय की होती है, डलवे लोहे की होती है, और ये छड़
ड्रम के या बॉयलर के चारों तरफ दीवारों में ठसी रहती है, कसी रहती है। तो जिसमें क्या है, अगर ऐसा लोड भी आता है या कोल का लोड भी आता है तो ये अपनी नीचे नहीं धसेगी। तो इसमें क्या होता है कि ये ग्रेट रेलवे की बनी होती है और ये फर्नेस हॉरिजेंटल या इंक्लाइन डायरेक्शन में दीवारों में ठसी रहती है। तो फर्नेस ग्रेट के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट आपका क्या थी मेथड, चलिए फर्स्ट मेथड आपका हैंड फायरिंग का मेथड आपका यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका स्टॉपर फायरिंग मेथड, स्टॉपर सेकंड नंबर क्या था आपका स्टॉपर फायरिंग मेथड। तो स्टॉपर फायरिंग मेथड क्या होता है कि स्टॉपर द्वारा की गई फायरिंग स्टॉपर फायरिंग कहलाती है। अब इसमें बेटा सबसे अहम चीज क्या होती है कि स्टॉपर फायरिंग जो होती है वो एक मैकेनिकल मेथड होता है। हैंड फायरिंग तो कैसा था, मैनुअल मेथड था, आदमियों के द्वारा मतलब लेबर के द्वारा अपने हैंड इक्विपमेंट के द्वारा ही उसका प्रोसेस की जा रही थी। लेकिन जो आपकी स्टॉपर फायरिंग मेथड होता है वो कैसा होता है, मैकेनिकल मेथड होता है। मैकेनिकल मेथड मतलब इसमें ओनली मशीनों का ही काम है, बस ओनली ऑपरेट करने के लिए उसको मैन की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा पूरा काम क्या है आपकी मशीन करेगी, इसलिए इसको मैकेनिकल मेथड कहा गया है। देन क्या होता है कि स्टॉपर फायरिंग मेथड में भी अपने आप में इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉपर फायरिंग मेथड तो देखो क्लासिफिकेशन ये टू टाइप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है ओवरफीड स्टॉपर फायरिंग मेथड। नेक्स्ट होता है आपका अंडर फीड स्टॉपर फायरिंग मेथड। दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है, बस एक माइनर अंतर है दोनों में, ओवरफीड स्टॉपर फायरिंग में और अंडरफीड स्टॉपर फायरिंग में। इसमें एक माइनर फीड क्या है कि जो कोल होता है तो जो कोल प्राइमरी एयर के साथ जो प्रवेश स्थान होता है, ठीक है, तो वो या तो अपर में या लोअर में होगा। कैसा होगा, या तो वो स्थान कहाँ होगा, अपर में होगा। जब अपर में होगा तो उसको बोलते हैं अपन ओवरफीड स्टॉपर फायरिंग, अगर वो चीज लोअर में हो तो उस चीज को बोलेंगे अपन अंडरफीड स्टॉपर फायरिंग, मतलब नीचे से उसकी एयर की प्राइमरी एयर की और फ्यूल की अपन एंट्री कराएंगे। अगर अपर से हो रही हो तो उस चीज को बोलते हैं अपन ओवरफीड स्टॉपर फायरिंग, अगर लोअर से हो रही हो तो उस चीज को बोलेंगे अंडरफीड स्टॉपर फायरिंग। अब इन चीज को अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ओवरफीड स्टॉपर फायरिंग। तो देखो बेटा स्टॉपर फीड अब ये अपने आप में एक अलग चीज है, अभी आपने क्या पढ़ा स्टॉपर फायरिंग मेथड, देन उसके क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के थे, टू प्रकार के, कौन कौन से, ओवर और अंडर। अब ओवर भी अपने आप में एक अलग चीज है, तो ओवरफीड स्टॉपर फायरिंग मेथड, ठीक है। अब ये आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है कि जब कोयल प्राइमरी एयर के प्रवेश स्थान के ऊपर से अपर पार्ट से अगर एंट्री लेता है तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं, ओवरफीड स्टॉपर फायरिंग मेथड कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है बेटा, ये चार प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरफीड स्टॉपर फायरिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, नंबर एक इंक्लाइन ग्रेड स्टॉपर फायरिंग मेथड, सेकंड होता है आपका डबल
ग्रेट स्टोकर फायरिंग मेथड। थर्ड जो आपका होता है चैन ग्रेट, क्या होता है चैन ग्रेट या ट्रेवलिंग ग्रेट स्टॉपर फायरिंग मेथड। फोर्थ जो आपका होता है वो होता है सेपरेट स्प्रेडर, कौन सा होता है स्प्रेडर स्टॉपर फायरिंग मेथड। तो अपने क्या है स्टॉपर फायरिंग मेथड पढ़ा जिसमें कितने प्रकार होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, ओवरफीड स्टॉपर फायरिंग मेथड और अंडरफीड स्टॉपर फायरिंग। अब बात चल रही थी ओवरफीड की, तो ओवरफीड भी चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं इंक्लाइन ग्रेट स्टॉपर फीड, सेकंड होता है डबल इंक्लाइन ग्रेट फायरिंग मेथड, थर्ड होता है आपका चैन ग्रेट या ट्रेवलिंग ग्रेट और फोर्थ आपका होता है स्प्रेडर स्टॉपर फायरिंग मेथड। अपन क्या पढ़ रहे थे ओवर फीड स्टॉपर फायरिंग मेथड, तो उसके अंदर कितने टाइप्स है चार टाइप्स के थे। तो फर्स्ट आपका क्या था इंक्लाइन ग्रेट फायरिंग। तो इंक्लाइन ग्रेट फायरिंग में क्या होता है मतलब जो जाली है वो कैसी है इंक्लाइन होती है, नाम से ही अपन को पता चल रही है कि जो जाली है ग्रेट है वो कैसी है नत होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको क्लियर बताऊं, इस स्टॉपर के अंदर क्या है एक ग्रेट फायरिंग डोर होता है जिसके पिछले भाग की ओर क्या होता है लास्ट भाग की तरफ ये नत होती है, मतलब क्षैतिज होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, इंक्लाइंड होती है, ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब फर्नेस के फर्स्ट पार्ट में क्या होता है ये फर्स्ट पार्ट है ये हॉपर लगा हुआ है इसके अंदर, जब हॉपर से अपन फ्यूल अंदर जाता है तो ये एक इंक्लाइंड ग्रेट होती है, जो ग्रेट हमारी लगी हुई है वो कैसी है इंक्लाइंड डायरेक्शन में लगी हुई है। हॉपर से अपना कोल या फ्यूल जो भी जाता है वो यहाँ इंक्लाइंड ग्रेट पे होते हुए या फर्नेस के लिए ये फर्नेस होते हुए आगे खिसकता चलता है और हमारी इन होलों के द्वारा एस हमारी कहाँ नीचे एस पिट में गिर जाती है, जैसे एस पिट के अंदर गिर जाती है। और हमें जो प्राइमरी एयर की आवश्यकता होती है प्राइमरी एयर क्या ये दबाई जा रही है भाई दहन करने के लिए क्या एयर की आवश्यकता होती है कि नहीं, तभी तो केमिकल प्रोसेस होगा तो एयर जा रही है, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है ओवर हीट स्टॉकर फायरिंग, मतलब जो प्राइमरी एयर से ऊपर वाले स्थान से कोयल हमारा नीचे जाएगा, तो ये जा रहा है ये नीचे से यहाँ से जा रही है, इसके ऊपर अपर पार्ट से क्या है कोयल जा रहा है फ्यूल जा रहा है और हमारी ग्रेड कैसी है इंक्लाइंड, तो इसलिए इसको क्या बोला गया इंक्लाइंड ग्रेड फायरिंग बोला गया। देन क्या होता है सबसे पहले इसमें ऐसे ही एक क्या होता है डबल इंक्लाइंड होता है डबल इंक्लाइंड, तो नाम से ही अपन क्या चाहिए डबल इंक्लाइंड ग्रेट फायरिंग, डबल इंक्लाइंड ग्रेट फायरिंग। अब इसमें तो वन साइड से कोल जा रहा है, अब डबल में क्या होगा कि बहुत साइड से कोल जाएगा, तो मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। हाँ जी बात देखो अभी आपको पढ़ाया था इंक्लाइंड ग्रेट फायरिंग, तो इंक्लाइंड में क्या वन साइड से आपका फायरिंग फ्यूल फायरिंग आ रहा था, ठीक है। देन ये क्या है आपकी डबल इंक्लाइंड फ्यूल फायरिंग होती है ग्रेट होती है, तो इसमें क्या होता है बहुत साइड आपके ओपन लगे होते हैं, वन साइड एक साइड तो ये ओपन लगा हुआ है दूसरी साइड ये ओपन लगा हुआ है, ठीक। देन क्या होता है प्राइमरी एयर आती है, प्राइमरी ईयर के लिए रास्ता ये यहाँ से भी दे रखा है और सेकेंडरी ईयर के लिए आपका रास्ता नीचे से एस्पिट के द्वारा भी दे रखा है, ठीक। तो इसमें ये कि आपकी क्या है ग्रेट लगी हुई है इंक्लाइंड डायरेक्शन में, ये बहुत साइड से लगी हुई है, तो इसलिए इसमें डबल ग्रेट होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया डबल इंक्लाइंड ग्रेट फायरिंग। और इंक्लाइंड मतलब दोनों ही जो ग्रेट है हमारी वो किस कैसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड छत नत डायरेक्शन में दी हुई है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊँ, जैसे ही अपन बहुत साइड से हॉपर से कब फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल जब फायरिंग होती है तो क्या है हमारा आगे फ्यूल होता जाता है और हमारी एयर स्पीड के अंदर एस गिरती जाती है और अपनी जो क्या कहते हैं फ्यूल गैसेस होती हैं वो हमारी एयर से ये निकल जाती है, ठीक है। ये हमारे सपोर्टेड होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हमारी बॉल्स हैं सपोर्टेड हैं ओवर हीट अंडर के बाद के लिए,
इसमें क्या होता है कि इसमें जो कोल सेकंड जो बार्स होती है, कोल सेकंड बार्स द्वारा सेंटर की ओर मूव करती है, मतलब ये एक सेंटर पॉइंट है, क्या ये सेंटर पॉइंट है, तो इसमें क्या होता है कि मूव करती है, मतलब जो ये ग्रेट करते हैं कोल्स है जो सेंटर की तरफ चलती जाती है, और इसमें क्या है सेंटर से ही ऐसे स्पीड में नीचे गिरती है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है डबल इंक्लाइंड ग्रेट फायरिंग है, और ये हमारा इंक्लाइंड ग्रेट फायरिंग से बहुत ही ज्यादा बेटर है, मतलब हाई क्वालिटी के लिए इसको यूज किया जाता है। देखो आपने क्या क्या कर लिया, इंक्लाइंड कर लिया, डबल इंक्लाइंड कर लिया, और थर्ड आपका क्या आता है चेन ग्रेट फायरिंग, या आपको इसका दूसरा नाम भी बताया था मैंने ट्रेवलिंग ग्रेट फायरिंग। नाम से ही आपको पता चल रहा है चेन का मतलब चेन है, अब चेन एक जगह पर स्थित रहेगी नहीं, चेन मूवेबल होगी, या दूसरे नाम से भी पहचान ट्रेवलिंग, मतलब उस चीज में ट्रेवलिंग हो रही होगी। ठीक है, तो इस चीज का सिस्टम सी चीज क्या होती है कि आपको मैं बताऊँ, इसमें ये अपन दो चाप लेते हैं, दो चाप लेने के बाद क्या होता है बेटा कि एक चैन लेते हैं जिसका क्या कोई सिरा नहीं होता, एक ऐसी चैन लेते हैं जिसको बोलते हैं बेसिरा, मतलब जिसमें कोई एंड नहीं होता, कोई भी उसका सिरा नहीं होता। दो ड्रम लिए जाते हैं बॉस साइड, वन साइड में एक ड्रम ये है पहिया, दूसरा पहिया ये रहा आपका ड्रम। अब इन ड्रमों पर चैन को मूव कराया जाता है, क्या करते हैं कि ये आपका हॉपर लगा हुआ है, हॉपर से जब कोयल फ्यूल को अपन चैन पे डालते हैं तो ड्रम के द्वारा मूव कराने के बाद चैन हमारी मूव होती चलती है और कोयल यहाँ फर्नेस होता रहता है। फर्नेस होने के बाद क्या होता है इस साइड से कोयल फर्नेस होता जाता है और यहाँ तक पहुँचने तक कोयल एकदम बिल्कुल तरीके से फर्नेस हो जाता है, हमारा फ्यूल की फर्नेस फायरिंग हो जाती है। देन सेकेंड से लेकर आगे क्या होता है जो हमारी एस है वो एस पिट में गिर जाती है, और क्या होता है कि इसमें हमें जो प्राइमरी एयर है, तो प्राइमरी एयर आपकी यहाँ से ली जाती है, सेकेंडरी एयर क्या है ये आपकी यहाँ से ले ली जाती है दहन करने के लिए, और जो इससे वेस्टेज गैस जो फ्लू गैस निकलती है वो आप इस माध्यम से चिमनी के माध्यम से निकाल दी जाती है। अब आपका जो फोर्थ है, फोर्थ आपका कौन सा था स्प्रेडर ग्रेट फायरिंग का, तो वो आपको डायग्राम में थोड़े स्प्रेडर ग्रेट फायरिंग, ये जो आपकी है फोर्थ, ये सबसे ही अलग है। स्प्रेडर ग्रेट फायरिंग के अंदर क्या होता है कि हॉपर के द्वारा हम कोयल को भेजते हैं, अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई ग्रेड वगैरह नहीं होती, जाली नहीं होती। इसमें क्या किया जाता है कि इसको हिंदी में बोले तो वायुमंडली, मतलब जो कोयले का फर्नेस किया जाता है वो एयर में ही किया जाता है। जैसे इसका क्या किया जाता है कि अपन कोयले का इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि अपन कोयले का इंजेक्ट करते हैं आईसी इंजन में, ऐसे ही यहाँ पर क्या किया जाता है कोयले का वायुमंडली गैस प्रेशर द्वारा अपन क्या करते हैं उसका इंजेक्ट किया जाता है, और इसे एयर में ही कोयले का दहन हो जाता है, और दहन होने के बाद जो गैस होती है वो नीचे एस पिट के अंदर चली जाती है, और एस पिट के अंदर चली जाती है। यहाँ ओनली जो ग्रेट का मतलब बांस का जो यूज किया जाता है वो ओनली एस पिट के लिए ही किया जाता है, जहां पर क्या होता है एस हमारी जब नीचे जम जाती है बांस पर, तो हम सिलेंडर के द्वारा उसको कंपन करके एस को रिमूव करते हैं बार से, और हमारा क्या होता है इस प्रकार के स्प्रेडर ग्रेट फायरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक डबल इनक्लाइंड चैन के समान ही है, जहां मतलब इन दोनों का यूज दोनों का ही बराबर है, आज के क्षेत्र में दोनों का ही यूज किया।